मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के इन वाले टॉपिक पर पहुंच गए हैं। सारा न्यूमेरिकल्स बता दिए इस चैप्टर का, सारा का हिंट्स दे दिया आपको किस तरीके से बनेगा, और अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है। और अब ये वो पोर्शन है जो इस बार के लिए आपके सिलेबस से डिलीट किया हुआ है, लेकिन हम पूरे चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उसे भी डिस्कस कर देते हैं ताकि कल होकर के ये परेशानी ना हो कि हाँ ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। ऐसे भी सीबीएसई उन टॉपिक को हटाया है, जो अगर केमिस्ट्री से हटाया है तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में उसका इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं आगे किसी और जगह पर उसका डिस्कशन किया गया हो। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये गैस लॉ से रिलेटेड है, गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स के लिए दिया हुआ है और बिल्कुल थ्योरिटिकल पार्ट है। ये क्या बताता है कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैसियस सब्सटेंस को रखते हैं हम लोग, तो इस गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, इनका खुद का वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर के स्पेस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेगलिजिबल होता है। यानी कि गैसियस कंस्टिट्यूएंट का साइज वेरी वेरी स्मॉल होता है इन कंपोजिशन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इसलिए इसके वॉल्यूम हम लोग नेगलिजिबल मान करके चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर में होंगे, एटम्स या आयन जिस किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन इनके बीच में ना तो किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और ना किसी तरह का कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इट मींस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इनसाइड द कंटेनर के अंदर। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बताता है। फिर ये बताता है कि जब ये कंस्टिट्यूएंट्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो इस वॉल से वो टकराते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, लेकिन इनके कोलिजन में किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होता है, यानी कि इनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नेचर का होता है। जैसे आप स्क्रीन सेवर देखते होंगे आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल वगैरह में, दिखाता है कि अगर कोई बॉल है तो किसी जगह पर टकराया, फिर बाउंस बैक किया, फिर वहां टकराया और किस तरीके से वो मूव कर रहा होता है। तो जहां पर वो रुकता नहीं है टकराने के बाद में, तो इसका मतलब ये हो जो उसका एनर्जी कंजर्व है और उस तरीके के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार से इन कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में भी इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि इनका एनर्जी कंजर्व होता है। फिर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इनका मॉलिकुलर मूवमेंट बढ़ेगा, कंस्टिट्यूएंट्स का मॉलिक्यूल फास्टली मूव करेगा, और जब कंस्टिट्यूएंट्स मूव करेंगे तब उस कंडीशंस में इनका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा। इट मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो पीडीएफ में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड जो पॉइंट्स था, जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, वो लिख दिए हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नया टॉपिक देख रहे हुए आप, रियल गैस इक्वेशन दिया हुआ है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, इसे वैन डर वाल करेक्शन भी कहा जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, और आइडियल गैस उन्हें कहा जाता है विच को बे चार्ल्स ला, बॉयल्स ला एंड अवोगैड्रोस ला एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर इन तीनों गैस को फॉलो करते हैं, तीनों गैस लॉज को फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल गैस कहा जाता है। लेकिन जो हमारे पास में जो गैस एग्जिस्ट करते हैं, जो रियल गैसेज है, वो नॉर्मल कंडीशंस में, सारे कंडीशंस में आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कई कांसेप्ट हैं जो रियलिटी गैस में अप्लाई नहीं होता है। जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में बताया गया कि कंस्टिट्यूएंट का वॉल्यूम नेगलिजिबल है, अगर ऐसा होता तो पूरा एटमोस्फेयर एक छोटे से कंटेनर में चला, क्योंकि गैस के वॉल्यूम को तो नेगलिजिबल माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि एक कैपेसिटी के बाद में आप किसी कंटेनर में और ज्यादा गैस नहीं फिल कर सकते हैं, इसका मतलब इनका भी अपना वॉल्यूम है। तो वैन डर वाल के द्वारा प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन किया गया आइडियल गैस इक्वेशन के,
जहां p था उसकी जगह पे करेक्शन करके ये वैल्यू आया p plus a into n square by d square, और जहां वॉल्यूम था उसकी जगह पर v minus a हो गया। अब इस जगह पर p और v आपको पता है, p प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां n नंबर ऑफ गैसेस मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेरिवेशन है हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसके डेरिवेशन के बारे में, यहां अभी समझ में नहीं आएगा, यहां सिर्फ आप इतना ध्यान रखोगे व्हाट इज वान डर वाल इक्वेशन। तो वान डर वाल इक्वेशन इसे रियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है, वान डर वाल करेक्शन भी कहा जाता है। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, और किस जगह पर क्या क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट, और इस a और b को, यहां a और इस जगह पर ये b है, इस a और b को वान डर वाल कांस्टेंट कहा जाता है, और इनका वैल्यू कांस्टेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस। हर एक गैस के लिए इनके a और b का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसको यहां पर ये पुट करना होता है। तो ये वान डर वाल करेक्शन में था, ये कहा गया कि आइडियल गैस इक्वेशन को कोई भी रियल गैस तभी फॉलो करेगा जब वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी कि जब वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दूसरे बात भी आया कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, यानी जब प्रेशर के वैल्यू को कम करते जाएंगे और टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, और जिस टेम्परेचर पर वो बिहेव करता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर, उसी को बॉयल टेम्परेचर कहा जाता है, और इसी को हम लोग बॉयल कांस्टेंट भी कहते हैं, बॉयल पॉइंट भी कहा जाता है। तो पीडीएफ में भी ये दिया हुआ है, आप इसको यहां नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड फॉर्म, तो किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को लिक्विफैक्शन कहा जाता है। अब आप देखो कि गैस और लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट अरेंजमेंट में क्या फर्क है। गैस के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि इनके बीच में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और वहीं लिक्विड के केस में इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस घट जाता है, यानी कि एक दूसरे के नजदीक में चले आते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते हैं बट नजदीक में होते हैं, और ये अगर बिल्कुल सबसड जाए एक दूसरे से तो सॉलिड में कन्वर्ट करता है। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना है, तो यहां पर प्रेशर के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करोगे तो भी कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के नजदीक में आएगा, तो ये गैस कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए गैस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है एलपीजी। पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के वक्त में फ्रैक्शनल टावर से एक गैस निकलता है जिसे पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और उसी पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है, यानी कि अंडर हाई प्रेशर उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और तब हमारे पास में एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है। तो वो लिक्विफैक्शन की वजह से आता है। यहां पर लिक्विफैक्शन में एक टर्म आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां कहता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज द टेम्परेचर एबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यानी इस टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो किसी भी गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है, इवन ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर, चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लीजिए। जितना एक क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होगा किसी गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा। ज्यादा होगा का मतलब क्या, जैसे अगर मान लिया कि दो कंस्टिट्यूएंट है, एक ए है और दूसरा बी है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू सपोज 40 डिग्री सेल्सियस है और बी के क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस है,
अब इन दोनों को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप जनरली देखो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस ए को तो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ आप प्रेशर डालोगे, टेम्परेचर 30 से कम कुछ नहीं हो, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 29, 28, 27, ये सीधा का सीधा लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन बी को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर सबसे पहले 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाना होगा, तो यानी कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू हाई है उसे आप इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जबकि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू कम है, और इमेजिन करो कि अगर किसी का दिया हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो जनरली होगा ही नहीं, सबसे पहले आपको टेम्परेचर माइनस में ले जाना होगा 30 तक, 30 के नीचे जाने के बाद में जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ये कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, तो इसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जिसके क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू जितना ज्यादा है इसका मतलब ये है कि वो उतना ही इजिली लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। एक क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, तो आपको देखना है क्रिटिकल टेम्परेचर जो जितना इजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग है, इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखोगे। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेटेड क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसेस कंपोनेंट एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर 1 मोल गैसेस कंपोनेंट या प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। तो ये लिक्विफैक्शन ऑफ गैस से रिलेटेड था, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी बताया है कंसेप्ट उसके अनुसार से कि एग्जांपल क्या है, अभी एक्सरसाइज क्या है वो सॉल्व करो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सिर्फ दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, लास्ट में दिया हुआ लिक्विड स्टेट के बारे में, जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे उस वक्त में आपको बताए थे कि मेनली इस चैप्टर में हमको गैसेस स्टेट पढ़ना है, सॉलिड स्टेट 12th क्लास में पढ़ना है, और लिक्विड स्टेट को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, और हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। यहाँ पे वो सारे टर्म डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप फिजिक्स में पढ़ोगे, यानी यहाँ सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें 3 टॉपिक है, लिक्विड स्टेट क्या क्या मतलब है वो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस पर फिर भी आते हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टीज है डिस्कस करना, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में। वेपर प्रेशर के बारे में, एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को लिखे चलो। वोलेटाइल उन्हें कहा जाता है जो वेपर में कन्वर्ट करते हैं। मान लें कि इस कंटेनर के अंदर में एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, एक वोलेटाइल लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट करेगा, जैसे वाटर, ये वोलेटाइल नेचर का होता है, वेपर में कन्वर्ट करता है, किसी भी टेम्परेचर पर यह करता है, टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव है तो रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है। यहाँ पर एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं, यानी इसको ढक दिए, यहाँ पर इस जगह इक्विलिब्रियम पड़ेगी, आगे आएगा इसका किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर टी पर, यहाँ ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है, और चूंकि कंटेनर क्लोज है तो वेपर बाहर नहीं निकलेगा। कुछ समय के बाद में ये वेपर फिर वापस लिक्विड में कंडेंस करने लगेगा, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन इज फास्ट इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब जितना वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है उतना ही वेपर वाटर में कंडेंस कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये दोनों बराबर हो जाएगा, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, उसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है आइदर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब डेफिनेशन मिलाते हैं, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर किस कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, कहां ये एग्जर्ट करेगा, तो कंटेनर के अंदर में है, तो आइदर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसलिए देखते हो कि जब आप प्रेशर कुकर को रखते हैं फ्लेम के ऊपर में तो इसके अंदर में प्रेशर बढ़ता जाता है और एक समय इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो जो सीटी ऊपर से लगा होता है उसे उठाकर बाहर निकलता है,
अगर वो किसी तरह से ब्लॉक हो गया तो सेफ्टी वॉल को फ्यूज करके वहां से फाड़ करके वो बाहर निकलता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो बाकी आपका जो प्रेशर कुकर जिस मटेरियल से बना हो उसके कॉम्पिटिशन में उसका स्ट्रेंथ कम होता है। अभी लिक्विड स्टेट का लास्ट दो टॉपिक है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। इसे तो केमिस्ट्री में यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि 11 के सिलेबस में ही फिजिक्स में पूरे डिटेल से पढ़ना है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करना है। बट चूंकि टॉपिक दिया हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सरफेस टेंशन एक फेनोमेनन है जो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से डेवलप करता है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होगा? जैसे अगर किसी लिक्विड मॉलिक्यूल को हम यहां कंसीडर करें, इस चैप्टर द स्टेट्स ऑफ मैटर में ही पढ़े हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इट मे बी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन और डिस्पर्सन फोर्सेस। तो यहां इसके चारों तरफ में मॉलिक्यूल है तो सब जगह पर इक्वली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जीरो, क्योंकि वेक्टर का कांसेप्ट अप्लाई करोगे तो सब जगह पर बराबर लग रहा है तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल को हम इमेजिन करें कि जो सरफेस पर है, तो यहां इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये दोनों ने एक दूसरे को जीरो बना दिया। लेकिन नीचे की तरफ में जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसे बैलेंस करने के लिए अपर पार्ट पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, और इस मॉलिक्यूल के नहीं होने की वजह से ही इस जगह पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर में इनवार्ड अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ में जा रहा है, जो इस लिक्विड के सरफेस पर एक टेंजाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। इन्हीं सब सरफेस टेंशन की वजह से जो कंस्टिट्यूएंट एयर के कॉन्टैक्ट में है वो अंदर की तरफ में फोर्स एग्जर्ट करता है, और जब अंदर की तरफ में फोर्स एग्जर्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से हो, ये अंदर की तरफ में लग रहा है। और इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल पूछा जाता है रेन ड्रॉप्स के बारे में कि रेन ड्रॉप्स का शेप अस्फेरिकल क्यों होता है। तो रेन ड्रॉप के अपर पार्ट पर जो मॉलिक्यूल होगा वो सरफेस टेंशन की वजह से इनवार्ड फोर्स लगेगा। अब आप इमेजिन करो कि सारे सरफेस का फोर्स अंदर की तरफ में लग रहा है, तो सब जब इनवार्ड फोर्स लगेगा तो इनका शेप बैलेंस फॉर्म में अस्फेरिकल आ जाता है। तो रेन ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। बाकी डिटेल से फिजिक्स वाले पोर्शन में। विस्कोसिटी ये भी फोर्स से ही रिलेटेड है। इस अपोजिंग फोर्स को कहा जाता है विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस को कहा जाता है जो किसी मॉलिक्यूल के किसी लिक्विड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी स्लोप पर आप यहां वाटर रखो, वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। दूसरे इसी तरह के स्लोप पर आप ऑयल को रखिए, ये भी मूव करेगा। और तीसरे पर हनी को डालो, ये भी मूव करेगा। लेकिन तीनों कंडीशंस में लिक्विड, तीनों लिक्विड स्टेट में ही, नॉर्मल वाटर ऑयल और हनी तीनों लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन तीनों का मूवमेंट अलग अलग होगा। वाटर फास्ट मूव करेगा, उससे स्लो ऑयल मूव करेगा और उससे भी स्लो हनी मूव करेगा। यानी कि हनी के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, इसके विस्कोसिटी का वैल्यू ज्यादा है, उससे कम यहां विस्कोसिटी है, उससे कम यहां विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी के वैल्यू को हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनके विस्कोसिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और यह फिल्म भी आप करते हैं ऑयल के केस में कि ऑयल ज्यादा चिपचिपा होता है जब रूम टेम्परेचर पर है, लेकिन जब उसे गर्म करते हैं कढ़ाई में होता है खाना बनाते वक्त में, तब उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, पतला हो जाता है, उसका विस्कोसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। तो बाकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लीनियर विस्कोसिटी, बाकी के जितने सारे टाइप्स हैं वो सब के सब फिजिक्स में आप डिस्कस करोगे। केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, साइड बुक में फिजिक्स वाला पोर्शन ही ऐड कर दिया है, तो आप फिजिक्स वाले में वहां पढ़ोगे। वैसे यहां हम लोग को सिर्फ गैसेस स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में यहीं तक ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक।